प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभु के चरणों में इस तरह से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो मौका हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जिसे हम रोज याद करते हैं, अगर हम शाम को फिर से अगर इस तरह से मिल पा रहे हैं और हम स्वस्थ हैं, सब प्रभु की महिमा है और उनकी करुणा है, उनकी दया है, और उन्होंने हम सभी को इस तरीके से स्वस्थ रखा और खासतौर से इस मुश्किल घड़ी में। आज थोड़ी देर के मनन के लिए हम जो विषय को चुना है, जो सब्जेक्ट चुना है, वो है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी जो डिफरेंट रोल्स जो हैं वो भी हम जानते हैं, लेकिन आज उनकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो टीचिंग में हाउ अमेजिंग एंड यूनिक टीचर ही वॉज और ही हैज बीन आज भी हमें सिखाते हैं, इसलिए अपन वो ही बोलना सही है, ही हैज बीन। और मैं खुद एक टीचर होने के नाते मुझे पता है कि एक टीचर होने के नाते उन्हें क्या क्या चीजें उनमें होना चाहिए, एक कितनी गुण एक टीचर में होनी चाहिए एक सच्चा टीचर बनने के लिए। और वो सारे गुणों को हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत ऐसे देख सकते हैं, उसको हम एक एक को देखेंगे। उसके पहले पहले हम जो कुछ पिछले कुछ दिनों से हम जो जो वचन पर मनन कर रहे थे, संडे को भी इसके बारे में बात हुआ, 1 John 1:46, उसमें जो प्रश्न नथनेल ने पूछा, नजरेथ कैन एनीथिंग गुड कम फ्रॉम देयर, ये जो प्रश्न जो नथनेल ने पूछा, क्योंकि फिलिप ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा था, वी हैव फाउंड द वन मोसेस रोट अबाउट इन द लॉ एंड अबाउट हुम द प्रोफेट्स आल्सो रोट, जीसस ऑफ नाजरेथ द सन ऑफ जोसेफ, हमने उन्हें मिला जिनके बारे में और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और जो जो प्रोफेसीज हुआ है, जो जीसस ऑफ नाजरेथ सन ऑफ जोसेफ, उनको हमने मिला, ऐसा बोला। तो नथनील का ये प्रश्न था पहला कि कैन एनीथिंग गुड कम फ्रॉम देयर, तो फिलिप ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, कम एंड सी। इस शब्द इसके बारे में पीटिंगल ने हमारे साथ एक अच्छे से एक बाइबल स्टडी हो चुका है, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन नथनील ने बहुत जल्दी ही समझ लिया, क्या समझ लिया, ए गुड थिंग कैन कम फ्रॉम नाजरेथ, इन फैक्ट द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ ऑल हैज कम फ्रॉम नाजरेथ। और जो दुनिया ने जो चीज देखी है या जो लोगों को देखी है, उनमें से सबसे बेस्ट जो पर्सन या थिंग केम फ्रॉम नाजरेथ, उसका जो जो इम्पैक्ट है, जो नाजरेथ से जो आया उसके इम्पैक्ट है जो हम देख सकते हैं आज, जो पूरी दुनिया की 33% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम पर्सन हु केम फ्रॉम नाजरेथ, जिसके बारे में नथनेल ने पूछा कि कोई अच्छी वस्तु नाजरेथ से आ सकते हैं क्या, उस नाजरेथ से आई हुई उस व्यक्ति की जो बात जो समझा, बिलीव किया, ट्रस्ट किया, उन लोगों का है जो इस पर्पल कलर में जो हमें दिखता है, और उनकी प्रेजेंस, उनकी जो बात मानने वाले इतने पूरे दुनिया में फैला हुआ है, 2.55 बिलियन, आई मीन 33% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ये है जो गुड थिंग जो नाजरेथ से आया। और हम देख सकते हैं वो जो नंबर लगातार कैसे बढ़ते हैं, किस तरीके से उस व्यक्ति पर जो विश्वास किया और उनको अपना उद्धारकर्ता माना, ऐसे लोगों का संख्या प्रतिदिन कैसे बढ़ते जाते हैं। अपन आते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं ही वॉज द सन ऑफ गॉड एंड आवर रिडीमर। सबसे बड़ी बात यही, जो नाजरेथ से आई हुई जो चीज है उनमें, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है, ही वॉज द सन ऑफ गॉड एंड आवर रिडीमर। साथ साथ हम जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ये सब थे, ही वॉज अ सर्वेंट, ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ हीलर, ही वॉज सन ऑफ मैन, ये सब हम देखा। वो एक साथ ही वॉज अ सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र था और हमारा उद्धार करने वाला था, उसके साथ साथ उसके ये सारी चीज भी हमने देखा, वो एक सर्वेंट था, एक लीडर था, एक टीचर था, एक चंगा करने वाला था, और एक बिल्कुल मनुष्य के बेटे के जैसे ही कई बार उनकी जो कैरेक्टरिस्ट भी हम देख सकते हैं। तो इनमें से हम आज जो मनन करने वाला है, जो ये गुण है, जो टीचर प्रभु यीशु मसीह एक टीचर के द्वारा तरह से कैसे थे, वो अपन देखेंगे थोड़ी देर के लिए।
तो हमें पता है क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर, क्योंकि आज मैं एक स्कूल की हेड हूं, मैं एक टीचर के बारे में जब भी सोचते हैं तो उनके बारे में कुछ चीजों को मेरे दिमाग में रखते हैं कि हाँ एक आइडियल टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। सबसे पहली बात है एबिलिटी, उनमें पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए और उनको वो ज्ञान होनी चाहिए और उनको किस तरीके से समझाना है उसको आना चाहिए और उनकी मतलब एक टीचर होने के नाते सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए टीचर होने के नाते। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है विलिंगनेस। कई बार हमें पता है कई लोग एबल होते हैं लेकिन विलिंग नहीं होता है, कई लोग विलिंग है लेकिन वो एबल नहीं होता है। लेकिन एक टीचर होने के लिए उनमें एबिलिटी भी होनी चाहिए साथ साथ विलिंगनेस भी होना चाहिए। किसी भी तरह की बच्चा मेरे सामने आए उनकी जरूरतों को जानना, उसको पढ़ाने की विलिंगनेस भी मेरे पास होना चाहिए और उस बच्चों के लिए उनको समझने के लिए उनको सिखाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, वो एक विलिंगनेस, तब जाके एक अच्छा टीचर बनते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है अथॉरिटी, उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर होने के लिए एक अथॉरिटी भी होना चाहिए, यानी उनको डिग्री होनी चाहिए। कोई अपन बोल सकते हैं कि एक कोई ने यूनिवर्सिटी से दिया हुआ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए, एक अथॉरिटी भी होना चाहिए। यानी एबिलिटी, विलिंग और अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक टीचर के लिए। और उसके अलावा कुछ और गुण, ये सारे तीनों चीज के ऊपर से या तो इन तीनों को बाइंड करने वाले ऐसे भी कुछ गुण होनी चाहिए। वो टीचर कंपैशनेट होनी चाहिए, वो टीचर ट्रू टीचर होनी चाहिए और वो एक रोल मॉडल होना चाहिए बच्चों के लिए और वो बहुत केयरिंग होनी चाहिए और लविंग होनी चाहिए और पेशेंट भी होनी चाहिए। अगर ये चीज उनमें नहीं है तो वो अच्छा टीचर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमें पता है कि एक पेशेंट से वो सबसे बड़ी चीज होता है, क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को सिखाना कोई भी हो तो इन सारे चीज लविंग केयरिंग ट्रू एक रोल मॉडल करके दिखाना, बोलते ही नहीं जाना करके दिखाना, नहीं बेटा ये इसको ऐसा करता है देखो ऐसा होने से ऐसा कर, यानी एक प्रैक्टिकली कर प्रैक्टिकल पर्सन होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर होने के नाते। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ये और इनसे भी बहुत सारे ऐसे गुण उनमें थे एक टीचर के जैसे। हम उनमें से कुछ बातों को लेकर अभी मनन करेंगे जो समय हमें मिला है उसके अनुसार। सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह एन अमेजिंग टीचर विद अथॉरिटी। मैं राकेश भाई से विनती करूंगा हिंदी में जरा मेरे को मदद करने के लिए। सो मैथ्यू चैप्टर 7 उसकी 28। जी ब्रदर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैथ्यू चैप्टर 7:28। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। यहाँ देखिए और 29 भी पढ़िए ब्रदर। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। देखो एक सबसे पहले कि उनकी टीचिंग से वो लोग अमेज रह गए और उन्हें ऐसा लगा, क्या लिखा है, वो शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश, एक अथॉरिटी के साथ में पढ़ा रहे थे। हमें पता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5वीं से अध्याय से लेकर 7वीं अध्याय तक जो है ये पूरे अध्याय को हम लोग जो सर्मन ऑन द माउंट या तो जो हम बोलते हैं कि जो पहाड़ी उपदेश में आते हैं। और ये चैप्टर्स में हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा टॉपिक के बारे में बात नहीं किया। उन्होंने धन्य यानी धन्य वचन, धन्य कौन कौन है उसके बारे में उन्होंने बोला, ब्लेस्ड आर वो पूरी बात किया, नमक और उन्होंने बोला कि हर एक विश्वासी दुनिया का नमक और ज्योति के बराबर है और व्यवस्था की शिक्षा दिया, क्रोध और हत्या के बारे में बात किया, व्यभिचार के बारे में बात किया, तलाक के बारे में बात किया और शब्द के बारे में बात किया, प्रतिशोध के बारे में, शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में, स्वर्गीय धन के बारे में और फिर परमेश्वर और धन उनके बारे में भी विषय किया और दूसरों पर दोष लगाने यानी जजमेंट होने के बारे में। और उसके बढ़कर जो बातें जो 7वें अध्याय उसकी 7 से लेकर कि मांगे तो पाओगे ये बात उन्होंने कहा, किससे मांगना चाहिए और मांगने से आपको सब कुछ मिलने वाला वो। और उसके बाद में उन्होंने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि मतलब मनुष्य की बुद्धि के बारे में,
मतलब मैन बिल्ड अ हाउस ऑन रॉक एंड सैंड, उसके सभी के बारे में, यानी अगर हम देखें परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में भी उन्होंने जो बातें किया, उन्होंने क्या बोला, डू नॉट वरी, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल द थिंग्स, जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेंगे। ये सारी बातें, यानी ये सारे सब्जेक्ट के बारे में वहां पर प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। तब जाके 28 में ये लिखा है, जब जीसस हैड फिनिश्ड सेइंग दीस थिंग्स, द क्राउड वर अमेज्ड एट हिज टीचिंग, क्योंकि वो सिर्फ शास्त्रियों के जैसे नहीं पढ़ा रहे थे, वो एक अथॉरिटी के साथ में, अधिकार के साथ में पढ़ा रहे थे। और दूसरा जो गुण हम देख सकते हैं, एक कंपैशनेट टीचर, जिसके बारे में अभी हमने बात किया कि एक कंपैशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मरकुस के सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 31 वर्स, उसकी हिंदी में जरा पढ़िए ब्रदर जी। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। देखो, उन्होंने ये भीड़ को देखा, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा आगे देखें, उसको 33 उसकी पहले से हम देखें, उसकी 31 से जरा पढ़िए ब्रदर, 31 से जी। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी न मिलता था, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अकेले चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। देखिए, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह सभी को समझाते जा रहे थे, टीचिंग करते जा रहे थे, और ऐसा लिखा कि उनको खाने पीने का तक टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो एक सुनसान जगह पर गया, और लेकिन उन लोगों को पता चला कि वो उस जगह पर गए, और लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह तो बोट में गए थे, नाव में, लेकिन ये लोग ऐसा लिखा है 33 में, ऐसा लिखा है, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठा होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। नाव में प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचने के पहले इतने सारे लोग गांव गांव में से, शहर में से वहां पर पैदल दौड़ा दौड़ कर पहुंच गए। तो प्रभु को पता चला कि ये लोग अच्छी चीजें सीखने के लिए कितना तरसते हैं। और फिर उन्होंने उसमें ये लिखा है, और उसने उतर कर बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला करने वाला नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह को जो कंपैशन, यानी ये लोग कितने भड़के हुए लोग हैं, उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं, और इसलिए वो अपने विश्राम करने के समय में भी हो या खाने पीने के समय भी छोड़कर, उन्होंने क्या हुआ, उनको फिर से उन लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें पता है वो कितने कंपैशन नहीं थे, और उस उधर सिखाने के बाद में उन्होंने उनको ऐसे जाने नहीं दिया, उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि इनको खाने पीने के लिए थे, तो ये बहुत दूर 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 से आए हुए और बहुत समय से हमारे साथ है, तो हमें पता है कि वहां पर खाने पीने के लिए कोई ऐसे जगह नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने वो 5 रोटी और 2 मछली से, और सभी लोगों को, जितनी भी लोग वहां थे, उन लोगों को उन्होंने कैसे खाना खिलाया। सो कंपैशन फॉर देयर स्पिरिचुअल नीड्स एंड कंपैशन फॉर देयर फिजिकल नीड्स आल्सो, उसमें भी वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे एक टीचर को हम देख सकते हैं। और तीसरी हम देखेंगे, ए टीचर फॉर एनी टाइम, ऐसे टीचर को मिलना मुश्किल है आजकल। हमें पता है कि बच्चे अगर कोई डाउट पूछते हैं तो टीचर इरिटेट हो जाते हैं, और एक एडिशनल टाइम पूछे तो इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रभु यीशु मसीह को, ऐसे टीचर को हम देख सकते हैं, वो ही वाज़ अ टीचर फॉर एनी टाइम। अब देखो यहाँ पर उन्होंने जॉन चैप्टर 7 उसकी 14 में, वहां पर्व था, उस पर्व के बीच में भी वो चलकर क्या कर दिया, टेम्पल में जाके लोगों को सिखाना शुरू करते हैं। ब्रदर जरा 7:14 पढ़िए, जॉन चैप्टर 7:14। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। और देखो, वो पर्व का समय था, और उसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कि मैं जाके उनको पढ़ाऊं। और 7 अध्याय उसके हम आखिरी में आए, अब देखो 53 में आए, 53 पढ़िए ब्रदर। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए, और पढ़ाने के बाद में पर्व के दिन तक सब प्रभु यीशु मसीह तब तक बात किया, उसके बाद सब लोग चले गए। और उसके बाद 8 आयत को, 8 अध्याय की पहली आयत को पढ़िए ब्रदर जी। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा।
अब देखिए सभी लोग रात को सब सुनकर वो लोग अपने अपने घर गए, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए और फिर से अर्ली मॉर्निंग में वापस से वो आए और फिर से उनको सिखाना शुरू कर दिया। यानी उनके लिए कोई टाइम नहीं था, हमें पता इनके अलावा वो कोई भी टाइम पर लोगों को सिखाने के लिए हमेशा तैयार थे, अपने चेलों को हो या लोगों को, कोई टाइम टेबल नहीं था उनकी लाइफ में। नहीं, मैं इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ाऊंगा, मैं इतने बजे से इतने बजे तक ही अवेलेबल रहूंगा, इसके बीच में जो डाउट पूछना है वो पूछ लीजिए, उसके बाद में कभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। ऐसे नहीं थे। आज हमें पता है कि हमारी कई ऐसे प्रचारक लोग भी है, बहुत टाइम टेबल है, नहीं इतने बजे से इतने बजे खत्म होगा, इतने लोग होगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, इतने लोग नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसे बहुत कंडीशन रखने वाले। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे टीचर को देख सकते हैं कि जो कोई भी टाइम में पढ़ाने के लिए तैयार हो। और चौथी बात है कि टीचर फॉर एनीवेयर, कोई जगह उनके लिए वो नहीं था। लूका रही समाचार उसमें देख सकते हैं वो सिनागोग में भी पढ़ाते थे और फिर हम देख सकते हैं कि वो बोट में भी पढ़ाते थे और उनकी कोई जगह नहीं था, पेड़ के नीचे और जंगलों में और शहर में और किसी के घर में। और हम सोचो कि वो ऐसे बाइबल में हम देख सकते हैं कि ये चार सुसमाचार की जो किताब जो जो बुक है उसमें देखे तो हम देख सकते हैं उनके लिए कोई फिक्स क्लासरूम, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं था या उनको जरूरत ही नहीं था और उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी कि ये होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ये नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, देखो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीज नहीं है, या तो ये जगह ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, इसमें से कई लोग समझते ही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं था। उनके लिए कोई भी जगह के लिए भी कोई भी जगह लोग उनके लिए लोग जरूरी था, उनके लिए जो काम उनको दिया गया था वो जरूरी था। उनके लिए क्या काम था? सुसमाचार सुनाना, प्रभु की परमेश्वर की आज्ञा को क्या है वो लोगों को समझाना, प्रभु लोगों से मनुष्य से क्या चाहता है वो सिखाना, उनका उद्धार कैसे हो सकता है वो सिखाना। तो वो जगह उनके लिए कोई मायना नहीं रहता, वो कोई भी जगह उनके लिए क्लासरूम बन जाते थे। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि वो ए टीचर फॉर एनीवन, वो किसी के लिए भी टीचर था, उसमें ऐसे कोई खास नहीं था कि मैं इन्हीं तरह के लोगों को ही सिखाऊंगा या मतलब ऐसे बच्चे मिलेगा तो सिखाएंगे, ऐसे लोग मिलेगा तो सिखाएंगे। यहाँ पर देखो उसकी लुकाजार उसकी 5:17 में हिंदी में चले बड़ी ब्रदर जी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हरेक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। आप देखिए वो किन किन लोगों को पढ़ाते थे, वो मतलब उनको पढ़ाने के लिए कोई फिक्स लोग नहीं चाहिए, वो टीचर्स को भी पढ़ाते थे, स्कॉलर्स को भी पढ़ाते थे, गरीब को भी पढ़ाते थे और बीमार को भी पढ़ाते थे और मछुआरों को भी पढ़ाते थे, टैक्स कलेक्टर्स को पढ़ाते थे, बड़े बड़े फिलोसोफर्स को पढ़ाते थे, इवन प्रीस्ट को भी पढ़ाते थे। आप सोचो यानी उनकी मतलब उनके लिए सभी लोग एक जैसे थे और वो ये नहीं देखते थे कि वो किसको सिखा रहे, उनका दर्जा क्या है, कैसे लोग है, कितना पढ़े लिखे है, ये नहीं था। तो उनके लिए वो ऐसा एक टीचर था हु कैन टीच एनीवन एनीवेयर एनीवन एनी टाइम, ऐसे एक टीचर, ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे एक टीचर को मिलना, हु कैन टीच एनीवन एनीवेयर और एनी टाइम, ऐसा एक टीचर को हमने यहां देखते हैं। और छठी में हम देख सकते हैं वो टीचर ऐसे भी एक टीचर था, फियरलेस टीचर, सच्चे चीजों को सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और कितना भी स्ट्रिक्ट हो सकता है, ऐसा एक टीचर था। और आने वाले जो भी उनके ऊपर जो एक्शन होने वाला या तो उसका नतीजा क्या होगा, मैं ऐसे बिहेव करूं उसका नतीजा क्या होगा, उसके बारे में उनको कोई डर नहीं था। हमें पता है कि मरकुस की पत्री उसकी 11वीं अध्याय उसकी 15 से लेकर हम देख सकते हैं वहां पर क्या हुआ, जरा ब्रदर पढ़िए उसकी 15 से लेकर 18 तक। जी, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग
उसके उपदेश से चकित होते थे। बस देखिए, वो जब मंदिर में पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने देखा कि मंदिर में किस तरह की गंदगी चल रहा है और कैसे लेन देन एक मार्केट बन गया था वहां पर, और उनको वो देखकर, और मार्केट में मतलब क्या नहीं होता, सब बेचने वाला भी है, पैसा देने वाला है, ब्याज पर देने वाला है, सब कुछ लोग थे, और वो कौन सा जगह था, मंदिर था, परमेश्वर के मंदिर, पवित्र जगह होना था, उसको लोग भूल गए थे, और उनको जो व्यवस्था में लिखी हुई बात, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखना है, वो बात को भूल गए थे और उधर जाके ये सब करना शुरू। ऐसा एक फ्यूरियस टीचर, यानी कितनी सख्ती से वहां निपटाते हैं, पहले उनकी टेबल उल्टा कर दिया और उनकी सब चीजें फेंक दिया और वहां को सभी को बाहर निकाला उन्होंने। उसके बाद 17वें आयत में क्या लिखा है, वो उन्हें सिखाया, सिर्फ उन्हें पनिशमेंट नहीं और उनको सिर्फ उसको वो नहीं, उनको करेक्शन भी किया। यानी कई बार ऐसा होता है टीचर पनिशमेंट देते और उनको वो क्लास में से बाहर निकालते, 10 बार लिखने के लिए, 100 बार लिखने के लिए इम्पोजिशन देते हैं, पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोल लेते हैं, मतलब सारे तरीके उसको पनिशमेंट तो दे देते, लेकिन उनको वापस से बिठा कर समझाना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे तुम्हारे साथ में इतना गुस्सा मैंने क्यों किया, उसका रीजन क्या है, वो समझाने वाला, यानी वो उन्हें वापस उनको काउंसिल करने वाला कोई टीचर बहुत कम मिलते। और यहां पर ऐसे टीचर गलती करने वालों को सिखाया निडर होकर, उन्हें पता है, देखो उसमें से 18 में क्या लिखा, उनको लोग मतलब उनको मारने के लिए सोचना शुरू किया, लेकिन उनको उससे कोई लेन देन नहीं था, उनके लिए क्या था, टीच करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने सिखाना और करेक्ट भी करना, अगर अब जो लोग गलत करते हैं तो उसको किस तरीके से सख्ती से निपटाना, तो सख्ती से निपटाना, लेकिन उसके साथ में उन्होंने उसके बाद उनको समझाया, उनको सिखाना शुरू किया कि माय हाउस विल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस बट यू हैव मेड इट ए डेन ऑफ रोबोट्स, तो मेरी मंदिर जो है उसको किस तरह पवित्रता से रखना चाहिए, उसको तुमने रोबोट्स की डेन बना दिया, और इसलिए उन्होंने इसे, तो ऐसे टीचर यानी निडर होकर डील करना, साथ साथ उनको समझाना कि मैंने ऐसा क्यों किया और उसका कारण क्या, तुमने क्या गलती किया, और ताकि वो आगे ऐसा नहीं करे, ऐसे एक टीचर। साथ ही हम देख सकते हैं ए टीचर हु नोज द नीड्स, यानी ऐसे टीचर जो जिसको वो सिखाते, भले वो अपने शिष्य लोग हो या जो लोग हम जिसको भी वो सिखाते थे, उनकी जरूरतों को, उनको क्या चाहिए वो जानते थे, वो भले उनकी फिजिकल नीड हो, उनकी इंटेलेक्चुअल नीड हो, उनकी स्पिरिचुअल नीड हो, तीनों चीज को वो जानते थे। जैसे कि फिजिकल नीड में हम बहुत देख सकते हैं कि वो जब भी भूखे थे उन्होंने उनको खाना खिलाया, और बीमार थे उनको चंगा किया, और मतलब उनके लिए, और हम ये भी जानते हैं कि वो किस तरीके से उनकी जरूरतों को वो जानते थे और वो जरूरत के हिसाब से वो उनको हमेशा प्रोविजंस देते थे। तो ऐसा टीचर जो जो लोगों की फिजिकल नीड जानते हैं और उसकी इंटेलेक्चुअल नीड भी जानते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि उनकी इंटेलेक्चुअल नीड, क्योंकि हमें पता है कि वो, जैसे हमने बोला कि मतलब उन्होंने हर एक चीज को उन्होंने सिखाया कि मतलब जो चीज उनको पहले से जानते थे वो चीज को भी वो वापस दोहराया, और जो चीज अभी है वो भी समझाया, और जो चीज आने वाला है भविष्य क्या होगा वो भी उनको समझाया उन्होंने। और हमने बोला कि उन्होंने हर तरीके के लोगों को सिखाते थे, इसीलिए उनके सिखाने के तरीका बहुत अलग था, बहुत सिंबल, कभी 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 स्टोरीज के थ्रू, कभी कोई उपमा के थ्रू मतलब पैराबल के थ्रू, और कभी कोई एग्जाम्पल के थ्रू वो समझाते थे। यानी वो हर तरीके के लोगों को समझाने के तरीका वो जानता था, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल जानते थे, अच्छा ये ऐसा लोग है उनको मैं इस तरीके से समझाऊं तो वो जल्दी समझ पाएगा, ये एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊं तो वो इतना जल्दी समझ पाएंगे। यानी उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स को भी वो जानते थे और उनके स्पिरिचुअल नीड भी, उन्होंने उनको समझाया कि कैसे प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना में तुम्हें कौन कौन सी बातों को प्रभु के सामने रखना चाहिए, और तुम्हारे हर एक जरूरत के लिए तुम्हें कौन सी दरवाजा खटखटाना चाहिए, कहां पर किसकी ओर देखना चाहिए, उस परमेश्वर की ओर देखो जो तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। तो तुम्हारे सारे जरूरतों को प्रति तुम्हें चिंता नहीं करना है, पूरे जरूरतों को प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे जरूरतें पूरा करने वाला परमेश्वर है।
और वो तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे। तो उन्होंने, अब देखो ऐसे टीचर जो जरूरतों को जानता था, भले वो फिजिकल नीड हो, इंटेलेक्चुअल नीड हो या स्पिरिचुअल नीड हो, वो सभी को वो जानते थे, ऐसा एक टीचर था। अब हम देखेंगे एक ऐसा टीचर जो सिर्फ लोगों को सिखाते ही नहीं, उनको एनकरेज भी करते थे, साथ साथ उनका परीक्षा भी लेते थे और उनको करेक्ट भी करते थे। ये सबसे बड़ी बात है। मैथ्यू चैप्टर 14 उसकी 28 में आएंगे, ब्रदर जरा पढ़िएगा मैथ्यू चैप्टर 14 उसकी 28 से लेकर। सब हमें सबको पता है ये घटना। पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी में चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो ये देखिए यहाँ पर वो तीनों चीज है। पीटर जैसे देखा प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहे, तो पीटर को लगा कि नहीं, मैं भी चलना चाहिए, मुझे भी ऐसे चलने का मन कर रहा है। उन्होंने पूछा, मैं भी आऊं? तो प्रभु ने उन्हें बहुत एनकरेज किया, चलो आ जाओ, मैंने बोला कम। और जब पत्रस उस बोट में से पानी में उतरा, चलना शुरू हुआ, और उसमें क्या लिखा, जब वो चारों तरफ देखा, when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. और एकदम चिल्लाने शुरू हो गया, लॉर्ड सेव मी, मुझे बचा लो। तो उन्हें एनकरेज किया, आने के लिए बोला और आया, और उन्हें चारों ओर देखा और वो डूबने लगे। लेकिन यहां पर भी देखो कैसे उन्होंने उनको करेक्ट करते हैं, कैसे उनको बोलते हैं, इमीडिएटली जीसस रीच्ड आउट हिज हैंड एंड कॉट हिम, इमीडिएटली उनके हाथ बढ़ाया और उनको ऊपर उठाया और उनको करेक्ट किया। उसको जो सिखाया उसको उन्होंने एनकरेज भी किया और उसके साथ में उसको टेस्ट भी लिया, उसके बाद उनको करेक्ट भी किया। तुम्हारे प्रॉब्लम क्या था, क्या था, यू डाउटेड। तो यानी जिस चीज पर, जिस व्यक्ति पर, जिस परमेश्वर के संतान पर या वचन पर तुमने विश्वास किया है उस पर डाउट किया, वो नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे एक टीचर जो अपने बच्चों को चैलेंजेस देते हैं, जो सिखाते हैं, उसके प्रति कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स देते हैं, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं जहां पर उसको एनकरेज तो करेगा और करेक्शन भी करेगा। और लेकिन वो टीचर ऐसा टीचर जो साथ में खड़े भी रहेंगे, उसको डूबने नहीं देंगे, तुरंत हाथ बढ़ाया और उनको ऊपर खींच लिया और उनको बताया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, क्यों तुम डूब गए, तुम क्यों हार गए, या तुम क्यों ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि तुम क्यों तुम ये पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे एक टीचर देखिए, वो सिखाता भी है और उस जो सिखाया हुआ चीज को प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए एनकरेज भी करते हैं, और वहां पर अगर फेल होता तो साथ रहते हैं, उनको हाथ पकड़कर उनको ऊपर उठाते हैं और उन्हें समझाता भी है कि तुम क्यों फेल हुआ। अब देखिए ऐसे एक टीचर, बहुत अमेजिंग टीचर के बारे में। और हम देखेंगे नवीन, ऐसे एक टीचर जो खोए हुए को ढूंढ के जाते थे। हम देख सकते हैं कि लूका समाचार उसकी 19वीं अध्याय उसकी 10:1-10 तक, थोड़ा जल्दी से पढ़िएगा ब्रदर, उस घटना को समझने के लिए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तब देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। देखिये ये टीचर, उसके बारे में सुनाया था जकायस, और उन्होंने उनको देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी जरूरतों को जान, उनको बोला कि नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं आज। और उन्होंने अब उनके घर गए, और हमें पता है जकायस कौन था, चुंगी लेने वाला था,
टैक्स कलेक्टर था, उस जमाने में टैक्स कलेक्टर का लोग कितना नफरत करते थे क्योंकि वो जिस हिसाब से जबरदस्ती टैक्स इकट्ठा करता था। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने उनके घर गया और ज़कायस उसी समय उन्होंने सब कुछ बोला कि कबूल किया उनसे क्या गलती हुई और उन्होंने क्या करने वाला उसके बारे में बताया सब कुछ, उन्होंने सबको लौटने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह ने उधर क्या बोला, टुडे सल्वेशन हैज कम टू दिस हाउस बिकॉज ऑफ दिस मैन। और उन्होंने क्या बोला, और सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड सेव द लॉस्ट। ऐसे एक टीचर लोगों को जरूरत को जानकर उनके घर तक जाकर उनको सीख देते थे और उन्होंने ये क्लियर बोला वो खोए हुए को ढूंढने आया। और दसवें जो गुण हम देख सकते हैं, ऐसा एक टीचर जो कि अपने डिसाइपल्स को सेवा करते हैं, डिसाइपल्स का सेवा करते हैं। और हम देख सकते हैं उसको जल्दी से हम करेंगे उसकी जॉन चैप्टर 13 उसकी 4 से लेकर 10 तक हम देख सकते हैं उसमें क्या लिखा उन्होंने कि वो परमेश्वर वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर पानी लाकर शिष्यों का पैर धोना शुरू हो गया। और हमें पता है कि शिष्यों ने तुरंत हाउ दे अपोज्ड, इट वॉज एन ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर दम, हाउ द लॉर्ड हाउ आवर टीचर कैन वॉश आवर हैंड वॉश आवर फीट। उन्होंने मना भी किया लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उधर क्लियरली बोला कि मुझे ये करना क्यों जरूरी है। हम उसको देखे और प्रभु यीशु मसीह उनकी पैर धोकर और उनको टॉवल से और उसको सुखा देते हैं। उसके बाद में 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे, ब्रदर जरा 15वीं आयत को पढ़िए जी। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। मतलब उन्होंने क्यों ऐसा किया, बिकॉज ही सेट एन एग्जाम्पल, ऐसा एक टीचर कि सेवा कैसे करना चाहिए, तुम्हें कितनी हम्बल होना चाहिए, तुम्हारी जो प्रोफेशन है या तुम्हें जो दिया गया है और तुम जब सिखाते हो तुम क्या होना चाहिए, हम्बल होनी चाहिए। और तुम जो कुछ भी बच्चों को या तो अपने सिखाने वाले को सिखाते हैं उसको कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करके दिखाने वाले, उसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में वो खुद वो करके पहले दिखाए उन लोगों। मतलब ही सेट एन एग्जाम्पल, मतलब ही बिकेम द बेस्ट रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स और द पीपल हुम ही वाज टीचिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हम देख सकते हैं। और हम देखेंगे उसकी 11वां बात जो कि प्रभु यीशु मसीह रिजेक्टेड बाय हिज ओन पीपल। ऐसा नहीं है कि हर टीचर को हर लोग एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है हर एक को पता है कि अपने घर अपने भाई बहन या अपने खुद के लोग अपने गांव वाले उसको मानना बहुत मुश्किल होता है कि बहुत बड़ा टीचर, ऐसे बहुत कम होता। हाँ वो बहुत बड़ा अचीवमेंट लाते हैं तो लोग जरूर मानेंगे, तब तक नहीं मानते। और यही सेम सिचुएशन था प्रभु यीशु मसीह के साथ भी। उनकी खुद की भाइयों ने उनकी फैमिली मेंबर्स, उसमें क्या लिखा है उसके मरकुस की सुसमाचार उसकी 3:21 में लिखा है, व्हेन हिज फैमिली हर्ड अबाउट दिस दे वेंट टू टेक चार्ज ऑफ हिम फॉर दे सेड ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। मतलब अपन यूं बोल सकते हैं कि वो पागल हैं, ऐसे भी बोल दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह की जो ज्ञान था जो वो सिखाते थे उनके बारे में या तो उनको ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं किया। और उसमें क्या लिखा है कि जॉन चैप्टर 7 उसकी 5 में लिखा है कि फॉर इवन हिज ओन ब्रदर्स डिड नॉट बिलीव इन हिम। और चैप्टर 6 उसकी 41 और 42 में अगर देखें और ज्यूस उनके बारे में क्या बोला कि यार ये कौन है और ये ईसा मसीह तो है और ये कौन है, वो जोसेफ का बेटा ही तो है जिसके माँ बाप को हम नहीं जानते, वो कारपेंटर्स हैं और ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं स्वर्ग से उतर के आया हुआ। आप देखिए कोई भी अपने खुद के लोग उनको नहीं मानते, यानी जो ज्यादातर लोगों के साथ में जो होता है वो इनके साथ भी हुआ। ही वॉज रिजेक्टेड बाई हिज ओन पीपल। ओके, और 12वीं हम देखेंगे जो लास्ट अपन जो बात करने वाला है, ए टीचर हुज विजडम इज फ्रॉम गॉड। मतलब वो जो सिखाते थे, हम अभी तक जो बातें बोले हमें पता है प्रभु यीशु मसीह ऐसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर कोई डिग्री नहीं था, बट ही वॉज द बेस्ट टीचर। वो कोई डॉक्टर नहीं था, MBBS वगैरह किया, वो कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था, बट ही वॉज द बेस्ट हीलर। हम ऐसा देखा जाए वो क्या नहीं था और क्योंकि उसका रीजन क्या है, जॉन चैप्टर 7:14-17 ब्रदर जरा पढ़िएगा हिंदी में जी। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है, वहां ज्यूज जो उन्होंने जो जिस तरीके से सिखाए जा रहे थे वो सब चकित हो गए कि इतना ज्ञान इनको कहां से मिला, ये कोई इतने पढ़े लिखे तो है ही नहीं, इतना ज्ञान कहां से आया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, माय टीचिंग इज नॉट माय ओन, मैं जो पढ़ा रहा हूं सिखा रहा हूं वो मेरा नहीं है, इट कम्स फ्रॉम द वन हु सेंट्स मी, मतलब गॉड हिज फादर, मतलब उनकी जो ज्ञान है जो सिखा रहे वो ऊपर से प्रभु से मिला हुआ। यानी ऐसे हम देखे कि ज्ञान देने वाला कौन होता है, प्रभु होता है, परमेश्वर होता है। हम भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी डिग्रियां हो और कितना भी बड़ा टीचर हो, लेकिन ज्ञान उसको सच्चे ज्ञान कौन देते हैं, प्रभु ही दे सकता है। ज्ञान के साथ में और उनको जो मेमोरी है और कैसे ये सारे जो अपन जो जो गुण जो 12 गुण के बारे में हम बात करते, ये सब कुछ करने के लिए अल्टीमेटली जो ज्ञान है और उसकी लगातार और अबंडेंटली जो दे सकता है वो और कोई नहीं है, परमेश्वर। तो जो टीचर जो अच्छे से पढ़ाना चाहता है, जो सही चीजें पढ़ाना चाहता है, उनको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान की और मांग करते रहना चाहिए। और परमेश्वर से जो बुद्धि और ज्ञान मिलते हैं उनके अनुसार हम जब पढ़ाने जाएंगे, then the people will be amazed, पूछेंगे इतना ज्ञान इनको कहां से आए। तो हमारे ज्ञान कहां से प्राप्त होते हैं, परमेश्वर से प्राप्त होते हैं, प्रार्थना के द्वारा जो मिलता है, तो वो ज्ञान पर ध्यान रखना चाहिए। तो हमने अभी जो देखा कि जो बातें हम कर रहे थे कि एक टीचर होने के नाते ये सारी चीजें, एबिलिटी, विलिंग, अथॉरिटी, कंपैशनेट, ट्रू रोल मॉडल, केयरिंग, लविंग, पेशेंट, ये सारे गुण के बारे में हमने जो शुरू में बात की, वो सारे गुण प्रभु में थे और उससे बढ़कर और भी कई चीजें थे। हम देख सकते वो फियरलेस था, वो एक अमेजिंग टीचर था, वो हम्बल था और उनके पास ही हैड हेवनली विजडम। तो ये सारे गुण और भी हम देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें और हमें पता है कि इन सारे चीजों से बढ़कर कुछ और भी बातें थे प्रभु यीशु मसीह, एन अमेजिंग टीचर हु सिक्योर्ड आवर फ्यूचर फॉर एवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो फ्यूचर को उन्होंने कैसे सिक्योर किया। जॉन चैप्टर 14 ब्रदर जरा पढ़ सकते हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहां तुम भी रहो। कि आप देखिए एकदम क्लियरली वहां पर जॉन चैप्टर 14 उसके 1 से लेकर 3 में क्लियरली उन्होंने कहा कि बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी, और क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहे, और जैसे वो पूरे होंगे मैं वापस आएंगे तुम्हें ले चलूंगा, और मैं जहां है वहां पर तुम्हें रखूंगा। यानी हमारे फ्यूचर को उन्होंने कैसे सिक्योर किया है। कोई भी एक अच्छा टीचर है हमेशा सोचते हैं कि वो जो लोगों को सिखाते हैं उनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो, वो कभी आगे उसको दुख परेशानी नहीं उठाना पड़े। तो ऐसे सिक्योर्ड करने वाला एक टीचर हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे सिक्योर्ड किया हमारे जीवन को। वो ऐसे टीचर खुद अपने संधान बनाकर हर एक को अडॉप्ट किया। ऐसे बहुत कम टीचर्स होता है कि हर बच्चे को क्या वो जिसको सिखाते उसे अपना खुद का बच्चा समझेगा। जो दिन वो ऐसे समझना शुरू करेंगे उनकी जरूरतों को भी जानेंगे और उस जरूरतों को पूरा कैसे करना वो भी वो जानेंगे वो टीचर। यहां पर ऐसे एक टीचर क्या है, अडॉप्टेड अस एज हिज ओन चिल्ड्रन, उनकी खुद के संतान बनाया, हमें गोद लिया, ऐसा लिखा है। और क्या लिखा है, He has granted us the citizenship of His kingdom, उन्होंने हमें अपने संतान बनाया, अपने वारिस बनाया और उनके स्वर्ग राज्य की, उनकी राज्य की सिटीजनशिप, उधर की नागरिकता भी हमें दिया। और क्या क्या, He is preparing a dwelling place for, हमारे लिए जैसे कोई पिता बच्चों के लिए घर बनाते हैं, खरीदते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा एक टीचर, ऐसे एक स्वर्गीय पिता
यानी हमें उन्होंने अपने संतान बना लिया, इसका मतलब वो हमारा स्वर्ग के पिता हो गया, वो हमारे लिए भी क्या कर रहे हैं, एक ड्वेलिंग प्लेस प्रिपेयर कर रहे, साथ साथ ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस, हमारे लिए वाद विवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि हम गलतियां करते रहते हैं। जैसे बच्चे गलती करते हैं, प्रिंसिपल के पास ले जाने के पहले या तो प्रिंसिपल के पास वो बच्चे को ले जाते तो भी वो अच्छे टीचर वो बच्चे के साथ में जाएंगे और समझाएंगे प्रिंसिपल को कि देखो इससे गलती होगी, सही बात है, लेकिन उसको कुछ एक और मौका दो, वो सुधर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं लेता हूं उसकी जिम्मेदारी। ऐसे कई अच्छे टीचर बताते हैं, मुझे पता है मैं प्रिंसिपल हूं, मेरे पास कितने टीचर्स आते हैं, ऐसे कई बार बच्चे को सर इसका गलती हो गया लेकिन मैंने उसको समझाया है और आप इसके ऊपर कोई पनिशमेंट लो तो इसके पेरेंट्स को मत बुलाओ, अभी उसको रेस्ट्रिगेट मत करो, बल्कि मैं इसको समझाऊंगा और अब ये मेरी जिम्मेदारी, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे एक टीचर, ऐसे एक परमेश्वर पिता के सामने हमारे लिए हमेशा क्या करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, क्योंकि हम गलतियां करते ही रहते हैं ऐसे। और फिर क्या, उन्होंने ये प्रोमिस किया वापस आएंगे और हमें अपने साथ चलेंगे, हमारे फ्यूचर को ऐसे सिक्योर्ड किया है एक इटर्नल लाइफ के साथ में, ऐसा एक परमेश्वर के बारे में हमें देगा। और फिर क्या, आखिर में हम ये देख सकते एक यूनिक टीचर हु हैज द फाइनल अथॉरिटी एंड शोड अस द ओनली वे टू सिक्योर आवर फ्यूचर। ये सिक्योर फ्यूचर करने का एक अथॉरिटी ओनली वे भी उन्होंने बताया। उन्होंने क्या कहा कि थॉमस वहां पूछते हैं, हिंदी में जरा क्योंकि समय के अभाव की वजह से, थॉमस वहां पर पूछते हैं लॉर्ड हम क्या करना चाहिए इनसे? तो रास्ता तो हमें बताते, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीसस आंसर्ड आई एम द वे आई एम द ट्रूथ आई एम द लाइफ नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। वहां मेरे अलावा कोई भी, मेरे थ्रू ही वो परमेश्वर यानी उस इटर्नल होम में पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने क्लियर बोला आई एम द वे आई एम द ट्रूथ आई एम द लाइफ। ये अथॉरिटी बहुत कम लोगों के पास होता है, इसलिए बोलते हैं कि जीसस वाज़ अ यूनिक टीचर एंड एन अमेजिंग टीचर हु हैज शोन और हु हैज द फाइनल अथॉरिटी एंड शोड अस द ओनली वे टू सिक्योर आवर फ्यूचर। और हम कितने खुशनसीब हैं कि आज उस हम उस परमेश्वर के सम्मुख में उस टीचर के हाथ से बुलाए हुए लोग हैं, उनके द्वारा दिए हुए वचनों को सीखे हुए लोग हैं, और हमारे फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है, और जिसने ना केवल सिखाता गया और बाकी करके दिखाया, और आज भी हमें पता है कि हमारे हर एक जरूरतों को सिर्फ और सिर्फ उनसे मांगने से पूरा होते रहते हैं, और हमें इतना एक ऐसे एक एक आशा से हमारे जीवन को भर रखा है कि ये दुनिया में तकलीफ, हम ये जो दुनिया में है तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बीमारी है, उस बीमारी को चंगा तो वो देते ही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो ऐसे एक जगह तैयार कर रहे हैं, ऐसे घर तैयार कर रहे हैं कि हमें वहां ले चलेंगे। हम जो रिवेलेशन में पढ़ सकते पढ़ा है कि कैसे देश जहां पर कोई आंसू नहीं होगा उसमें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा आंसू परमेश्वर खुद पहुंचेगा, ऐसे समय है, ऐसे जगह की ओर हमें ले चलने वाले। तो इस समय की जैसे पौलुस कहते क्षण भर का इस जिंदगी, यानी वो ये जो ये जिंदगी है, भले वो 70 साल का हो या 80 साल का हो या 90 साल का हो या 100 साल का हो, इस दुनिया की जीवन क्या है, उस अनंत काल के जीवन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये क्षण भर का है। तो वो जिंदगी को काटने के लिए भी वो हमारे साथ है, और साथ साथ इसके बाद में जो जीवन है वो जीवन भी हमारे लिए सिक्योर किया है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान बनाने जा रहा हूँ, और वो बनाएंगे, मैं वापस आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, और मैं जहां है वहां मैं तुम्हें भी रखूंगा, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, अनंत काल तक के लिए। और इस बीच में हमारे गलतियों के लिए वो हमेशा परमेश्वर के समूह में इंटरसीडिंग करते जा रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग यूनिक टीचर वी हैव। और ऐसे एक परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए और हमें खुद भी वो गर्व महसूस होता है कि हम ऐसा एक टीचर, ऐसा एक उद्धारकर्ता के साथ में, या तो उनकी उन पर विश्वास किया है, उनकी चरणों में उनकी सिखाई हुई बातों पर हम चल रहे। आने वाले दिनों में इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें मदद करें। ओवर टू लिंसन।